हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका आधार कार्ड खो गया और आपको अपना आधार कार्ड नंबर नहीं पता और आप अपने नाम से ही अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि सिर्फ आप अपने नाम से ही आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मालिक की स्क्रीन पर। अपने नाम से आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है। आप जिस भी लैंग्वेज में इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप UIDAI के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर नाम से आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है आधार सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है रिट्राइव आधार। इसके नीचे आप देख सकते हैं रिट्राइव लॉस्ट फॉर फॉरगेटिंग EID UID, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने नाम से ही आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते तो आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है एंटर नेम, जो भी आपके आधार कार्ड पर नेम है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। नेम को टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर और में आप देख सकते हैं एंटर ईमेल एड्रेस। अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे, और अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर नीचे आप ईमेल आईडी को टाइप कर लेंगे। इन दोनों में से आप किसी एक को टाइप कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करके कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर उसके यहाँ पर चार अंक देखने के लिए मिल जाते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं इस सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आपका पूरा आधार नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आधार नंबर मिलने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन जाता है माई आधार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप माई आधार के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर आधार, जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार नंबर गया तो उस आधार नंबर को यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको नीचे कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस पोर्टल में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन लिया था डाउनलोड आधार, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी आपने आधार नंबर टाइप किया था उसका यहाँ पर फोटो और जो भी उसकी डिटेल है वो निकल कर आ जाएगी। अब डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका जो भी आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, इसके नीचे आप देख सकते हैं योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड, यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने नाम से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।